दिल्ली वर्सेस एलएसजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि एलएसजी एक ऐसी टीम है जो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती थी, लेकिन हम सबको यकीन था कि एलएसजी से तो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में मैच था, बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच है। इस ग्राउंड पे इस साल एवरेज स्कोर है 250, बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच है। और जितना मुझे याद है, इस साल इस ग्राउंड पे जितने भी टीम पहले बैटिंग किया है वो ही जीता है, लेकिन केएल राहुल ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में आया। इसके पीछे एक ही लॉजिक हो सकता है कि केएल राहुल को एलएसजी का नेट रन रेट बढ़ाना था, तो शायद वो देखते कि दिल्ली कितना स्कोर कर रहा है और एक प्लान बना के आते कि कम से कम ओवर में हमें इस टारगेट को चेस करेंगे। लेकिन शायद अब अगर पहले बैटिंग करते तो एलएसजी अगर 230-240 बना देता तो दिल्ली पे एक प्रेशर आता और दिल्ली शायद 140-150 में ऑल आउट हो सकते थे, कोलैप्स हो सकते थे। तो मुझे टॉस का फैसला बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। ऋषभ पंत टॉस पे कहते हैं कि हम तो ऐसे भी पहले ही बैटिंग करते, क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ गए तो कुमार कुशाग्रा बाहर हो गया और डेविड वार्नर की जगह गुलबदीन नायब आ गए थे प्लेइंग 11 में। एलएसजी के लिए कृष्णप्पा गौतम बाहर हो गया और अरशद खान वापस आ गए थे। अब ओपनिंग करने आते हैं फ्रेजर मेघक और अभिषेक पोरेल, और अरशद खान दूसरी बॉल पे फ्रेजर मेघक को आउट कर देता है। तो शायद लग रहा था कि पावर प्ले में जितना रन आना चाहिए उतना रन शायद नहीं आएगा, लेकिन अभिषेक पोरेल ने पावर प्ले में काफी अच्छा बैटिंग किया है। पहले 2 ओवर में सिर्फ 14 रन आया था, अब अरशद खान अपना दूसरा ओवर डालने आता है, उस ओवर पे 21 रन आता है। उस ओवर पे अभिषेक पोरेल 3 चौका और 1 छक्का मारता है। फोर्थ ओवर पे युद्धवीर सिंह 16 रन देके जाता है। फिफ्थ ओवर पे मोहसिन खान सिर्फ 5 रन, और पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आता है नवीन उल हक, जिन्होंने बहुत ही गंदा बॉलिंग किया है पावर प्ले के लास्ट ओवर में। हर एक बॉल बॉडी के लाइन पे लेग साइड पे था। उस ओवर पे 17 रन। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर था 73-1, और ये बिना फ्रेजर मेघक का भी बहुत अच्छा पावर प्ले गया है दिल्ली के लिए। अब रवि बिश्नोई 7th ओवर पे सिर्फ 6 रन देता है। 8th ओवर पे कुणाल पांड्या सिर्फ 9 रन देता है, और 9th ओवर पे रवि बिश्नोई शाई होप को आउट कर देता है। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 106-2, और इधर से गेम और भी स्लो हो जाता है। 11th ओवर में सिर्फ 5 रन। 12th ओवर में नवीन अभिषेक पोरेल को आउट करते हैं, 33 बॉल्स पे 58, गुड नॉक। बट अभिषेक पोरेल पावर प्ले के बाद बहुत ही स्लो हो गया था। पावर प्ले के बाद अभिषेक पोरेल ने 17 बॉल्स खेल के सिर्फ 15 रन बनाया था। 12th ओवर में सिर्फ 4 रन आता है, और ऋषभ पंत भी इस हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे बहुत ही स्लो बैटिंग कर रहा था। हर एक बॉलर कटर डाल रहा था, ऋषभ पंत के बैट पे बॉल नहीं आ रहा था। एक तो क्या शॉट खेलता है मुझे ये भी समझ में नहीं आता है, हर एक बार बैट हाथ से छूट जाता है। एक लेग साइड पे शॉट खेलता है, खुद भी गिर जाता है, बैट भी छूट जाता है, और कितने बार तो शॉट खेल के आउट भी हुआ है, फिर भी यही शॉट खेलता है। बहुत ही स्लो बैटिंग किया ऋषभ पंत ने इस पिच पे। 13th ओवर पे सिर्फ 6 रन, 14th ओवर पे 11 रन, और 15th ओवर पे सिर्फ 4 रन। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 136-4, यानी लास्ट 5 ओवर पे सिर्फ 30 रन आए, सिर्फ 30 रन लास्ट 5 ओवर पे। अब 16th ओवर लेके आते अरशद खान, उस ओवर पे 18 रन आया था। ट्रिस्टन स्टार्क 2 चौका और 1 छक्का लगाया था। 17th ओवर पे नवीन ऋषभ पंत को आउट कर देता है। ऋषभ पंत 23 बॉल्स पे 33, फिर से बैट हाथ से छूट गया, और ऋषभ पंत ने इस गेम को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था। 18th ओवर पे 12 रन, 19th ओवर पे 21 रन, और लास्ट ओवर पे सिर्फ 12 रन आया था, और पूरा का पूरा गलती स्टब्स का था। पहली बॉल पे रवि बिश्नोई एक कैच छोड़ दिया था, और उधर 3 रन भगने का कोई भी मतलब नहीं था। 2 रन भग के स्टब्स को स्ट्राइक रखना चाहिए था, लेकिन स्टब्स ने 3 रन भग गया। इस ओवर पे स्टब्स बस 2 बॉल फेस करता है। अगर स्टब्स पूरा का पूरा 6 बॉल खेलता तो शायद दिल्ली का टोटल और भी 10-15 रन ज्यादा होता। दिल्ली का टोटल होता है 208। ट्रिस्टन स्टार्क्स 25 बॉल पे 57, अनदर ब्रिलियंट नॉक। मैं ये सोच रहा हूं, अगर दिल्ली को एक ही ओवरसीज प्लेयर रिटेन करने को मिलता है तो किसको करेगा, स्टब्स को या फिर फेजल मेघक को? देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एलएसजी के लिए रवि बिश्नोई और मोहसिन दोनों ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। मोहसिन ने 4 ओवर पे सिर्फ 29 रन दिया है, और रवि बिश्नोई 4 ओवर पे सिर्फ 26 रन और 1 विकेट। 208 इस पिच पे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था, लेकिन ईशांत शर्मा पहली ओवर पे केएल राहुल को आउट कर देता है। एक आउट स्विंगर था और मुकेश कुमार ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। सोचो, गोयंका से डांट खाके भी केएल राहुल सही नहीं हुआ है, एटलीस्ट कल बॉल वेस्ट नहीं किया है। अब ईशांत शर्मा अपने दूसरे ओवर पे डिकॉक को आउट कर देता है। अगर मैं वो केकेआर वाला मैच छोड़ दूं दिल्ली के खिलाफ, जहां केकेआर ने 277 रन बनाया था,
उस मैच को छोड़ के ईशांत शर्मा ने हर एक मैच पे डिसेंट बॉलिंग किया है। आप फोर्थ ओवर की पहली बॉल पे अक्षर स्टोनिस को स्टंप कर देता है, उस शॉट का भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं था। अब निकोलस पुरन आके पहली बॉल से अटैक करता है। इस ओवर की पहली बॉल पे विकेट आ गया था, लेकिन फिर भी इस ओवर पे 20 रन आए। अब ईशांत शर्मा अपने तीसरे ओवर पे एक इन स्विंगर मारता है और दीपक हुडा LBW आउट, फ्लिक करने जाता है और बॉल को मिस कर देता है और पूरा प्लम्प्ट हो गया था। पावर प्ले के बाद LSG का स्कोर होता है 59-4 और दिल्ली के पास बहुत बढ़िया चांस था कि बड़े मार्जिन से मैच को जीत के एटलीस्ट क्वालिफिकेशन रेस पे जिंदा रह सकते थे, लेकिन दिल्ली ने वो चांस मिस कर दिया। अब 8th ओवर डालना था स्टब्स और आयुष बदोनी का विकेट लेके जाता है, बहुत ही अननेसेसरी शॉट था। स्टब्स इससे पहले भी गुजरात के खिलाफ बॉलिंग डालने आया था और पहली ओवर पे 2 विकेट लेके गया था। 12th ओवर में मुकेश कुमार निकोलस पुरन को आउट कर देता है, बहुत ही अच्छा कैच था अक्षर का। निकोलस पुरन 27 बॉल्स पे 61, ब्रिलियंट नॉक था और शायद कोई और एक बैट्समैन पुरन के साथ टिक जाता तो LSG ये मैच आराम से जीत सकता था। एक टाइम पे LSG 101-6 था और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जल्दी से जल्दी मैच को खत्म कर देगा, लेकिन अब बैटिंग करना था अरशद खान। 13th ओवर पे 12 रन, 14th ओवर पे 11 रन, 15th ओवर पे कुलदीप कृणाल को आउट कर देता है। इस ओवर पे सिर्फ 7 रन आता है। 16th ओवर पे 14 रन, 17th ओवर पे 18 रन, 18th ओवर पे 13 रन, लास्ट 6 ओवर पे 74 रन आया है जो एक बॉलर अरशद खान ने मारा है। एक टाइम पे LSG 101-6 था और 18th ओवर के बाद LSG का स्कोर है 184-8। क्या इतना मार खाना अरशद खान से बनता था? एक अरशद खान जो बॉलर है वो 8 नंबर पे आके पेल के गया दिल्ली को। आप 12 बॉल पे सिर्फ 29 रन चाहिए था LSG को और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अरशद खान जीता के जा सकता है LSG को। 19th ओवर पे मुकेश सिर्फ 6 रन देके जाता है और लास्ट ओवर में रशीक सलाम सिर्फ 3 रन देके जाता है। दिल्ली ये मैच 19 रन से जीत जाता है। अरशद खान 33 बॉल्स 58, ब्रिलियंट नॉक। अरशद खान ने मेक श्योर किया कि दिल्ली का नेट रन रेट ज्यादा ऊपर ना आए और CSK और RCB के लिए चीजें थोड़े और आसान हो जाए। KL राहुल का LSG 3 साल में पहली बार टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर रहा है और मुझे तो ये पक्का लगता है कि नेक्स्ट ईयर LSG का कप्तान कोई और ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।